इस्लाम के आगाज़ में और पहली शरीयतों में इफ्तार के बाद से इशा तक खाना पीना और अपनी बीवियों से जमा करना हलाल था, मगर बाद नमाज इशा ये तमाम बातें हराम हो जाती थी। यहाँ तक के शुरू इस्लाम में भी यही हुक्म रहा। इसी दौरान एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा कराम ने बाद नमाज इशा अपनी बीवियों से जमा कर लिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब गुसल किया तो रोने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। फिर बारगाह नबी में हाजिर हुए और अर्ज़ गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, मैं ख़ुद को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में गुनहगार पाता हूँ और अपने नफ्स को मलामत करता हूँ, क्योंकि मैंने इशा के बाद अपनी बीवी से जमा कर लिया है। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम्हारा ये काम न था। इस पर कुछ हजरात साहबा भी खड़े होकर माजरत खा हुए कि हमसे भी ये ख़ता हुई है। तब कुरान पाक की ये आयत करीमा नाजिल हुई, रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से उस वक्त तक मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, तुम उनके करीब भी मत जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें।